क्या खार्की पर कब्जे से अब कितने कदम दूर है रूसी सेना और यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड ने रूस के खिलाफ कहां किया प्रचंड प्रहार। विध्वंसक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप नाइन। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच जंग विध्वंसक मोड़ ले चुकी है। 10 मई से वोव चांस व बारूदी बौछार कर रही रूसी सेना अब रिहायशी इलाकों में मिसाइल की बारिश कर रही है। रूस के हमलों से शहर में हर तरफ तबाही ही तबाही दिखी। खार्किव के वोव चांस में कब्जे की प्रचंड जंग छिड़ी है। जीत के लिए ताबड़तोड़ गोलाबारी और हवाई हमले कर रही रूसी सेना कम से कम 14 इलाकों में हावी है। यूक्रेनी आर्मी भी पीछे हटने को तैयार नहीं, ग्लाइडेड बमों से हमले जारी हैं। वोव चांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यूक्रेन की 28वीं असॉल्ट ब्रिगेड ने जोरदार वापसी की। अमेरिकी M1126 स्ट्राइकर ICV के दम पर यूक्रेनी आर्मी आगे बढ़ी और जोरदार हमला बोला। रूसी ठिकानों को टारगेट कर भीषण शेलिंग की गई। इन हमलों में रूस को भारी नुकसान का दावा है। खेरसोन पर कब्जे के करीब पहुंचे रूस ने डोनेस्क के बाखमुत में भी हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी कब्जे वाले चेसव यार पर ग्रेड MLRS से कई हमले किए गए। चेसव यार मेयर के मुताबिक पिछले 12 घंटे में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर 70 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए। खार्किव के चेसव यार पर भीषण हमले कर रही रूसी सेना ने डोनेस्क के एक अहम मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। सिवेर्स में यूक्रेनी कमांड सेंटर को तबाह करने के लिए रूस ने FA-1500 बम से अटैक किया। रूसी हमले से यूक्रेनी ठिकाना पल भर में ध्वस्त हो गया। अवदिवका के बाहरी इलाकों में रशियन आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है। यहां रूस का छापेमार दस्ता मैनपैड और स्ट्रिंगर मिसाइलों से पिन पॉइंट अटैक करता नजर आया। 4 अहम फ्रंट्स पर रूसी सेना हावी हो चुकी है। अवदिवका की तरह ही खेरसोन में रूस का ग्राउंड ऑपरेशन तेज है। रशियन आर्टिलरी इन्फेंट्री ने यूक्रेनी डिफेंस लाइन पर धुआंधार शेलिंग की। हमला इस कदर विस्फोटक था कि यूक्रेनी जवानों को डिफेंस का मौका भी नहीं मिला। रूसी होविजर के प्रहार से कई यूक्रेनी जवान मारे गए। जेपोरिजिया के बैटलफील्ड से यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की विस्फोटक तस्वीरें सामने आई। दक्षिणी छोर पर रूसी किलेबंदी को तोड़ने के लिए जर्मन होविजर से हमले शुरू किए गए। 155 mm के गन से 1 मिनट में 10 शेल्स दागने वाली होविजर ने रूसी खेमे में खलबली मचा दी। जेपोरिजिया के बाहरी इलाके में यूक्रेन ने एक और रूसी MSTS को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। रूसी शेल प्रोपेलर होविजर जैसे ही यूक्रेनी फ्रंट की ओर बढ़ा, यूक्रेनी ड्रोन ने उसे अपना शिकार बना लिया। रूसी MSTS का अंत धमाके से हुआ।